नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। तंत्र मंत्र के लिए कब्र से लड़की का शव निकालने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। इधर ग्रामीणों में दहशत का माहौल, शाम होते ही गांव में पसर जाता है सन्नाटा। गरियाबंद जिले के ग्राम पसौद में तंत्र मंत्र काला जादू के लिए कब्र खोदकर रोशनी साहू के शव से अंग निकालने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में हिरासत में लिए गए कथित तांत्रिक और उसके 2 साथी कोमल साहू उर्फ लाला साहू, कंगलू ध्रुव और गेंद्राम कुमार को पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आज सुबह पुलिस मृतका के बॉडी पार्ट खाओ पर भय जिससे आक्रोशित पुलिस के बीच है। इस दौरान जब पुलिस वापस लौटने लगी तो आक्रोशित ग्रामीणों ने फिंगेश्वर थाना पहुंचकर घेराव कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद SDM अर्पिता पाठक ने ग्रामीणों से पुनः डॉग स्क्वाड के साथ टीम भेजकर जांच करने की बात कही है। SDM अर्पिता पाठक ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 297, 201, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा इस वारदात को अंजाम देने आरोपियों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। इस घटना के बाद से ग्राम पसौद के ग्रामीणों में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। मामला तंत्र मंत्र से जुड़े होने के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल 2 माह पहले गांव की 25 वर्षीय रोशनी साहू की मौत एक गंभीर बीमारी के चलते हो गई थी। परिजन अंतिम संस्कार कर शव को दफना दिए थे। 2 माह बाद परिजनों को पता लगा कि कुछ लोग तंत्र मंत्र काला जादू के लिए कुछ ही दिन पहले शव से कुछ अंग निकाल लिए हैं। गांव के लोग कुछ संदेही से पूछताछ की तो बताया कि शव से अंग निकालकर लड़की के घर से लगे बाड़ी में दफना दिए हैं। फिर मामला थाना पहुंचा। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस संदेहियों को लेकर मौके पर पहुंचकर बाड़ी में घंटों खुदाई की। इस दौरान कुछ बरामद नहीं हुआ। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 माह पूर्व दफन किए गए मुख्य शव निकालकर जांच करने की मांग की। इसके बाद जब पुलिस अंतिम संस्कार किए हुए कब्र खोदकर जांच की तो शव के 2 हाथ और सर के हड्डी गायब मिले। इस मामले में गांव के 3 संदेही लाला साहू, कंगलू ध्रुव, गेंदलाल कमार को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।